नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, हम ITR फिल हो जाने के बाद उसका स्टेटस किस तरीके से आप पता कर सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में जानकारी देंगे। दोस्तों, जैसे ही आपने जहाँ जिस पोर्टल से अपना RTI भरा था, आपको लॉगिन करना है उस सेम ID से, और आपको जो है मैसेज कंफर्म करके पासवर्ड यहाँ डालना है। और जैसे ही आप यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पर ये जो डैशबोर्ड ओपन हो गया है, आप यहाँ देख सकते हैं, आपको सामने ही एक स्टेटस पूरी तरीके से दिख रहा है, जिसमें लिखा है डिमांड एस्टिमेटेड निल, और जो एस्टिमेशन है इस ID का वो निल है। यहाँ पर कोई भी रिटर्न वापस नहीं आने वाला है, लेकिन जो आप रिटर्न की स्टेटस देख रहे हैं, रिटर्न फाइल किया गया किस तारीख को, वेरीफाइड हुआ उसी दिन, प्रोसेसिंग हुई उसी दिन, और प्रोसेसिंग कंप्लीशन जो है अगले ही दिन हो गया दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा एक्यूरेट अब ये सारा प्रोसेस हो गया है। और इन सारी चीज़ों में जो है आप इस चीज़ को पता कर सकते हैं, जो कि हमने आपको बताया है कि आप अपने रिटर्न स्टेटमेंट का प्रोसेस अगर जानना चाहते हैं, किसी को अगर कोई लेटर इंटीमेशन ईमेल आया है 143 जो या नियम है इसका, उसको भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से फिल हो गया है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं प्रोसेस, और यहाँ आप जब रिसेंट फाइल रिटर्न पर जाएंगे, तो आपको जो इसके अंदर स्टेटस दिखने वाला है एज इट इज़, आप यहाँ से भी देख सकते हैं ये जो देख रहे हैं। और व्यू फाइल रिटर्न्स पर चलते हैं, यहाँ पर आप ये देखें दोस्तों, अंदर आपको और भी डीप प्रोसेस बताई जा रही है किस तरीके से क्या हुआ इस ये जो एनुअल आपका ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, देखिए प्रोसेड हुआ। और ये इस तरीके से चलता है दोस्तों, शुरू यहाँ से किया गया था, फाइल किया गया 28 को, पेंडिंग हुआ ई वेरीफिकेशन, सक्सेसफुली वेरीफिकेशन उसी दिन कम्प्लीट हुआ, अंडर प्रोसेस हुआ, इसके बाद अंडर प्रोसेसिंग 28 जुलाई को, फाइल सेक्शन आप देख सकते हैं किसके तहत भरा गया, किस दिन भरा गया, किसके द्वारा भरा गया, एक्नॉलेजमेंट नंबर आप देख पा रहे हैं, ये इंटीमेशन लेटर जो डेटेड 29 जुलाई को जो है यहाँ से रिलीज हुआ था, और प्रोसेस विद नंबर डिमांड रिफंड दोस्तों यहाँ पर आ गया है, क्योंकि ये निल है, क्योंकि इस अकाउंट से हमें ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। ये एक दोस्तों सिंपल सी प्रोसेस है, आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेल के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं इन फॉर्म्स को, और आसानी से पता कर सकते हैं कि आपने जो ITR भरा था उसका स्टेटस क्या चल रहा है। तो दोस्तों, ये एक आसान सा वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सभी को बताइए, जो जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, जिन्होंने ITR को फिल किया है, वह भी लॉगिन करके अपने स्टेटस को, ITR स्टेटस को आसानी से जान सकते हैं, ऐसी मुझे उम्मीद है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।